أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आप स्मार्ट फरमा रहे हैं इस वक्त सलाम बीसीआर मीडियम वेव 1566 पर। इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं salambcr.com हमारी वेबसाइट के जरिए। हम आपसे मुखातिब हैं सलाम बीसीआर के स्टूडियो बरी ग्रेटर मैनचेस्टर से। प्रोग्राम सब रंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद इदरीस। जी हाँ जनाब, सब रंग प्रोग्राम होंदा है पंजाबी च, और जी हाँ असी स्टार्ट कर ले उर्दू च, जबकि पंजाबी च करना चाहिए। और सब तो पहले तो शुक्रिया अदा करने जी साड़ी पैन शाजिया दा, जिहड़ा कि अच्छा जिहा प्रोग्राम तुहाडे लई करके गए। उम्मीद है कि तुसी उन्हां दा प्रोग्राम इंजॉय किया होना और तुहानूं चंगा लगा होना। तो मैंने उम्मीद है कि जिस तरह तुसी शाजिया बैन दा साथ दिता है, जी हाँ उसी तरह तुसी मेरा भी साथ दोगे, मेरे नाल रहोगे अगले तीन घंटे, यानी कि 2 बजे तो लैके हूँ तो लैके, जी हाँ 2 बज के ना, बल्कि 2:17 हो गए, थोड़ा लेट हो गया दे लई माजरे चाहना। और क्योंकि हूँ साढ़ा साथ होएगा जी हूँ तो लैके 5 बजे तक, और ये असी जनाब सारे भैन भरा मिल के जी हाँ ये महफिल सजावे। और ये महफिल कुछ मिले जुले जी हाँ मिला जुला प्रोग्राम होंदा है, कोई पंजाबी च होंदा है, कोई उर्दू च होंदा है, कोई पटवारी च होंदा है, कुछ असी जनाब इंग्लिश भी बोल लेंदे थोड़ी बहुती अगर जरूरत पवे। ते जनाब तुहानू इनफॉर्मेशन देंदे चलिए कि तुसी अगर प्रोग्राम च शिरकत करनी होवे ते तुसी किंज कर सकते हो। और तुसी इंज कर सकते हो कि तुसी अपना फोन जी हाँ चार्ज जड़ा कर लेता है, वह फोन तुसी चार्जर तो उतार लवो तो अपने कोल रख लो, क्योंकि मैं तुहानू हुण दसन लगा नंबर जड़ा कि तुसी सेव कर लो तो चंगी गल है, क्योंकि जदों भी तुहानू बार बार तुहानू नंबर जड़ा ना कि सेव करन दी जरूरत नहीं पेगी और नंबर डायल करन दी जरूरत नहीं पेगी। ठीक है, हुण तो खैर मोबाइल आ गए और इन मोबाइल दे काम बड़ा आसान कर दिता, तुसी बस एक क्लिक ते तुसी नंबर तुहाडे सामने हुंदा ते तुसी कॉल कर लैंदे। लेकिन पहले हुंदा सी उह जिहड़ा ना पुराना फोन हुंदा सी डायल वाला, ते इक ते उह मिलदा भी नहीं सी हुंदा, ते जे अगर मिल भी जावे ते तुहानूं बड़ा टाइम उहनूं जिहड़ा तुहाडियां उंगलियां किस जांदियां हुंदियां सी उहनां नूं घुमा घुमा के ते फिर जाके किते तुहाडी कॉल लगती सी, वह भी थोड़ी जी गल हुंदी सी फिर कट ऑफ हो जांदी सी। लेकिन हुण देखो ना मोबाइल आ गया, दुनिया तरक्की कर रही है दिन ब दिन जी हाँ, अगे तो अगे वध रही है और नई तो नई चीज़ा आ रही ने। एक तो एक जी हाँ मोबाइल आ रहा और अपडेट आ रही है, उन्हें सीरीज आ रही, और जनाब टेक्नोलॉजी ने इस जी 19वीं सदी सी तो हुण 20वीं सदी च भी अपना जनाब जड़ा ना कि कहते कि अपना सिक्का बड़ा मनवा लिया और जनाब तेजी वध रहा। तो गल कर रहे कि जो तुसी फोन जड़ा ना वो तुसी की कर सकते हो कि फोन जड़ा वो दे विच तुसी नंबर ए सेव कर सकते हो, जड़ा कि मैं तुहानू दसन लगा 0161221982 जड़ा साढ़े स्टूडियो का नंबर है, साढ़ा लैंडलाइन का नंबर है, ते तुसी एदे ते भी कॉल कर सकते हो। नाल तुसी कर सकते हो जी साड़ा जड़ा के मोबाइल नंबर है और वो ही नंबर साड़ा व्हाट्सएप ते हैगा, और व्हाट्सएप ते या मोबाइल ते तुसी जनाब व्हाट्सएप ते थ्रू मोबाइल दे थ्रू जी हाँ व्हाट्सएप ते तुसी कॉल कर सकते हो सानू और साडे नाल राबता कर सकते हो, साडे नाल गलबात कर सकते हो। जे तुसी कोई तुहानू लगता है कि तुसी गाण दा कोई शौक हैगा, कोई नाद शात कवाली अच्छी गा लैंदे हो, तो फिर भी सत बिस्मिल्ला कोई चंगी गल करना चाहते हो,
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 07990264144 07990264144 ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਲਟਨ ਹੈ ਬਲੈਕਬਰਨ ਹੈ ਰੋਚਡੇਲ ਹੈ ਓਲਡਮ ਹੈ ਸਟਕਪੋਟ ਹੈ ਚੀਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਟਰਿੰਗਮ ਸੇਲ ਨਾਲ ਲੀ ਵਿਗਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ਟਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 1566 ਪਰ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹਾਂ salambcr.com ਤੋਂ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਏਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ salambcr.com 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ salambcr ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਹੋ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੰਗ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰੰਗ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਨ ਤਦ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇਲਮ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਪਵੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ
इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਇਸ ਜਨਾਬ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 0161221 9872 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ UK ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0004 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0161221 9872 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ 0004-799-0264-144 ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0004-799-0264-144 ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਸੂਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾ ਬਰਕਾਤੂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾ ਬਰਕਾਤੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6:45 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6:40 ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਲੋ ਟੁਰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇਫਤਾਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਫਤਾਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਲੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ BCR ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ بالحاء حكمة وبالخاء خيرا اللهم وبالدال دينا وبالذال ذكرا وبالراء رحمة وبالزاي زهدا اللهم وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صبرا وبالضاد ضياء وبالطاء طهرا
وبالضاء ظفرا اللهم وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فهما وبالقاف قوة وبالكاف كرما وباللام لباسا من تقى اللهم وبالميم مغفرة وبالنون نورا وبالهاء هدى وبالواو ورعا وبالياء يسرا يا ذا الجلال والجمال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. अब आपको महीने भर की शॉपिंग के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं. जी हाँ, अब कीजिए घर भर की शॉपिंग एक ही छत तले. खरीदारी का बासहूलत और मुनफरिद अंदाज कश्मीर सुपर स्टोर बैरी, जहाँ आपको मिले ताज़ा फल और सब्जियाँ, तमाम मसाला जार, फ्रेश मीट, पोल्ट्री आइटम्स, इसके अलावा आटा, नीट एंड क्लीन दालें, चावल और बहुत कुछ. मेयार का इत्मीनान और सबसे बढ़कर मुनासिब दाम. कश्मीर सुपर स्टोर बैरी, 134 रोस्टेल रोड बैरी, BL97BD. कॉन्टैक्ट 0161-797-0550. कश्मीर सोना. Salam BCR, medium wave 1566 and online. Your home of entertainment. Broadcasting across Greater Manchester and beyond. Check our website project29.org.uk. Assalamu alaikum, आप सुन रहे हैं रेडियो सलाम BCR, मीडियम वेव 1566. मैं हूं फरीद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं हर सोमवार की शाम 7 से 9 बजे तक. सुनते रहिए रेडियो सलाम BCR. सलाम सलाम सलाम. Our radio, your radio, community radio. Tune in, medium wave 1566. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप मेरी आवाज इस वक्त जिस रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं उसका नाम है सलाम PCR. सलाम PCR की तमाम टीम को और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम. तो सुनते रहिए सलाम PCR. सामिन, आपको सलाम BCR के स्टूडियो से खुश आमदीद कहती हूँ. मेरा नाम शाजिया है. मेरा और आपका साथ रहेगा हर जुमेरात को 6 से 9 बजे तक और हर जुमातुल मुबारक को 2 से 5 बजे तक इंशाल्लाह. मैं आपके साथ रहूँगी. उम्मीद है कि आप हमारे रेडियो की नशरियात को सुनकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे. हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए सलाम BCR. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिमगी. सलाम BCR, इसमें आपकी मनपसंद के गाने, आपके मनपसंद के प्रोग्राम और आपके मनपसंद के फनकार आपको सुनने के लिए मिलेंगे. जुड़ जाइए रेडियो सलाम BCR के साथ. Signs you like by Signs of Berry. Any sign, big or small. Outdoor shop signage, our specialty. Spray paint overs. Internal signage fit outs, not a problem. Over 20 years experience fitting across the UK. Fast efficient service, our promise. Contact Sultan on 07973794012. Want to be on radio? Then log into our website www.project29.org.uk and email me Aiden for more details. आपको रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो. मैं आपकी मेज़बान शाजिया हूँ. दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमजानुल मुबारक की तमाम रहमतें और बरकतें अता फरमाए और इस रमजानुल मुबारक को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए. आमीन सुम्मा आमीन. आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए सलाम BCR. सलाम BCR के तमाम सुनने वालों को मेरी यानी मोहम्मद इदरीस की तरफ से माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो. दुआ है कि ये महीना आपके लिए बेशुमार रहमतों, बरकतों और बख्शिश का सबब बने. दुआ में याद रखिए और सुनते रहिए सलाम BCR. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजा अली. सलाम BCR के सुनने वालों को मेरी तरफ से रमजान करीम मुबारक.
السلام علیکم, میں ہوں نرمل علی فرام پاکستان. سلام بی سی آر سننے والوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم, میں ہوں جواد حسین. سلام بی سی آر کے سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک, دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک. صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی. جی تے سمین, تانوں ایک واری پھر کہندے ہاں جی خوش آمدید بریک تو بعد اپنے پروگرام وچ, اور تسی سن رہے ہو سبرنگ محمد ادریس دے نال. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ. ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣ. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ. ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਸਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 07990264144 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 16 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਹੁਣ ਤੋਂ. ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2:27 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 16 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜੀ. ਜੀ ਹਾਂ, 6:43 'ਤੇ. ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ. ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਐਵਰੀ ਵਨ ਹੈਪੀ ਸਨੀ ਸੰਡੇ and wish everyone a healthy iftar with family and loved ones. Chalo ji Bilal sahab, tuhadi wale tuhanu vi pata lagge ki Pakistani iftari da time ho gaya, to tusi vi message kar de da. Chalo jada tusi jawab ditta ji, oh ji tuhada jawab bada sahi ditta hai tusi, lekin main hale dassna nahi samajni, end te dassanga tusi ki jawab ditta hai. Haan ji, ke kide naal peen naal roza nahi tutda, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ. ਰੋਹਿਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਅਦਨਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ. ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਸੂਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਮੁਹਤਮਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨਾਈਟ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 13ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝਾਂ ਦਾ 12ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12ਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੁਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ 14 ਅਤੇ 12-13 ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਲਾ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਰਕਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ 1000 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਟਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਾਸਰ ਬਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਬਾਈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੀਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਆਸਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਵਾਲ ਦਾ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਅ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਪਕੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਧਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਪਕੜ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਲੋਅ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਔਰ ਸਪੀਡਾਂ ਫੜੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਹ ਲਵੋ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਰਹੋ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਮ ਹਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਦਰੀਸ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਨਜ਼ਮ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਵੇ ਕਰੋ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸਿਰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਰ ਜਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਇਟ ਸੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਅੱਜ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ 12ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਟਿਕਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਚੈਸਟਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਹਾਂਜੀ ਸੁਹਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 12ਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ 13ਵਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੰਦਾ 12-13 ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਸਟਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਯਾ ਕਿਸਮਤ ਯਾ ਨਸੀਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰੇ ਰਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੰਡੇ ਮਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲਗਲੀ ਹੈ ਸਮਿਥਫੀਲਡ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮਿਥਫੀਲਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਮਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪੇ ਵੀ, ਆਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਗੋਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ
देखो ना कितनी तेजी नाल उठे होते गया है, बहुत तेजी नाल उठे गया। वो देखो ना उन्होंने बिल्कुल ही नाइल आदमी है बुरा ना बनाना। देखो ना साढ़े फिर भी गवर्नमेंट वाले ने बड़ा कंट्रोल किया है। हाँ जी कि नमाज पढ़नी है तो आजकल के डिजिटल लोगों, मगर साले भी बेवकूफ जो आजकल निकले हुए तमाशा दिन ठीक है, वो भी क्लोज क्लोज होके परे लोगो अपना जो जलसा करना है तो करो जरूर करो, मगर जो एक दूसरे ना लगो ना, क्योंकि एक चीज जो है ना बड़ी खराब है। हाँ जी बिल्कुल भी ये चीज हो रही है बुरा ना बनाना। देखो पिछले कल लास्ट नाइट हजार आदमी बाहर से अपना आर्सेनल के ग्राउंड के बाहर देखो देखो प्रोटेस्ट कर रहे लोग क्योंकि वो फुटबॉल के बारे कुछ हमाका होया है। अच्छा तो ओदे बारे अच्छा अगर कोई डिस्टेंस नहीं कुछ नहीं, पुलिस आज खड़ी हुई है बिना पुलिस को नहीं पावर है ये तो पावर भी यूज करनी चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है और वैसे भी तुसी देखो ना बाजारों च भी हो गया हूँ तुसी सिटी सेंटर च मैं कल गुजरिया सी और सिटी सेंटर के अंदर इन्ने लोग जनाब उस तरह ही वही रश है उस तरह ही जनाब जुड़ जुड़ के जा रहे किसी ने मास्क नहीं पाया कोई कुछ नहीं क्योंकि देखो ना वो जगह पे खान पीन तक बेहतर है या चंगा रहा है कईयां ने टेबल बाहर ला के रोड आ रहे हैं बाहर ला के हां जी हां जी लगी हुई है। हां जी डिस्टेंस रखो कुछ अपना रखो। हां जी अगर अल्लाह ताला साडी चलो अभी तो फिलहाल तो कंट्रोल हैगा इन्हें मतलब ए तकरीबन साढ़ा दूसरा तीसरा हफ्ता जा रहा है ना लॉकडाउन खुलिया हाँ जी हूँ तीसरा हफ्ता शुरू होना जी फिर देखो की होता 17 मई फिर सारा कुछ खुल जाएगा सही तरीके ना। हाँ जी देखते हैं देख रहे हैं कि कितना कंट्रोल है हाले तो है ठीक है हाले कंट्रोल चाहिए के तो मेरे हाले कल 2100 केस ही है पूरे यूके च कोई इन्हें नहीं सी इन्हें डेथ रेट थोड़ा जा ऊंचा हो गया सी अजीज भाई। हाँ जी थोड़ा जा ऊंचा है भाई तेरी आदमी मरे ना उन्हें पता है कि ज्यादा बढ़ने 50 बढ़ने शुरू हो गए मतलब कि ऊपर जा रहा रेट बस ये भी एक मिस्ट्री है जी ऑन की कह सकते हैं ये भी एक मिस्ट्री है जड़े जड़ा ना डेथ से। हाँ जी हाँ हाँ जी आज मेरा सेकंड इंजेक्शन लगना थे आज उन्होंने भी 5:30 बजे बुलाया सी तो उन्होंने फोन कर दिया जी 4:30 आ जाओ। अच्छा अच्छा जल्दी आ जाओ ठीक 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 है जाके लुवा ले चलो लुवाओ तुसी की होता इसके बाद। हां लुवाओ जड़ा ना लेकिन ए दिन होना कुछ नहीं है लेकिन है कि चलो है छोटे बच्चियां मसूद अफजल साहब सुन रहे हैं इस टाइम इफ्तारी। हाँ जी इस टाइम इफ्तारी करे उन्होंने इफ्तारी का टाइम हो गया सी। हाँ जी मेरे ख्याल से आज ना और अबद भट्ट साहब के इफ्तारी वास्ते ना फोटो भेजन करन साडे सलाम बीसीआर ते। अच्छा अच्छा हाँ जी अब नहीं 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 साहब सानू ना पेना भाई साढ़े तले 4-5 घंटे रहिंदे सानू भूख लग जानी सानू फोटो लग जाई। हाँ जी सानू फोटो नहीं पाजे आज मेरा ना दल चा रहा के चपली कबाब और पठानी प्रॉपर पठानी चपली कबाब। हाँ जी चलो आज जो है संडे है तो फिर बारबेक्यू की तैयारी करो फिर हाँ यही चीज़ है शाम हाँ जी चलो जी थैंक यू बहुत शुक्रिया थोड़ा जरा ना तो इंजॉय करो वैदर बार असी तो हूँ इतने बैठे हैं अंदर बंद होके एयर कंडीशन हाँ जी हाँ जी चलो ठीक ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत शुक्रिया जी ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जनाब सी साढ़े नाल साढ़े वड़े भरा नजम भाई तो हमेशा आते हैं जी प्रोग्राम चो गप शप लाते और सानू जनाब मैसेज किया जी शायस्ता तुसी और इस टाइम प्रोग्राम सुन रहे हो राइटे ले चो और कहें जी कि जो तुसी जवाब दिता है बहुत शुक्रिया तुहाडा
ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਤ ਚਲਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਭੈਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 1566 ਪਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਬੀ ਸੀ ਆਰ .com ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂ ਉਹ 1616-221-9872 ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 07990264144 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਬਲਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮਹਿਮੂਦ ਬਾਈ ਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਬਾਈ ਲੌਂਗ ਸਾਈਡ ਜੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀ ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੇਹੀ ਵਸਾਹਬੇਹੀ ਵਸੱਲਿਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੇਹੀ ਵਸਾਹਬੇਹੀ ਵਸੱਲਿਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੇਹੀ ਵਸਾਹਬੇਹੀ ਵਸੱਲਿਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ السلام علیکم تمام سننے والوں کو فردوس جمال کی طرف سے رمضان کریم کی آمد مبارک ہو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں پر اور خصوصاً سننے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم میں ہوں نرمل علی فرام پاکستان سلام بی سی آر سننے والوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو GT Tires and Motors. Part 1 and new tires. GT Tires and Motors. Parts for all makes of vehicles. GT Tires and Motors. Full fitting and servicing. GT Tires and Motors. All your motoring needs now under one roof. GT Motors, 2 York Street, Bury, BL9 7AR. Phone 0161-258-3676. Off Rochdale Road near Nurul Islam Masjid. Prices you like, service you can trust. GT Tires and Motors, Bury. Salaam, salaam, salaam. Media Wave 1566.
Salam BCR. Medium wave 1566 and online. Your local radio. Broadcasting across Greater Manchester and beyond. Phone 0161 221 9872. Excuse me, is there any spare part shop around here? Yes, Mr. Fix Karke. Yes, Mr. Fix Karke. Mr. Fix Karke, the name of quality spare parts at low prices. All makes and models. Engine oil, brakes, all car service parts, accessories, electric and DIY. 169 Rattle Road, Bury. BL97BB. Phone 0161-763-9090. Mr. Fix, 30 years experience of car parts business. السلام علیکم سامعین, میں نافشہ پروگرام لے کر آتا ہوں ایک ملاقات ہر سوموار شام 5 to 7 PM تک صرف اور صرف اسلام بی سی آر میڈیم ویو 1566 پر. سنتے رہیے, ساتھ نبھائیے. تمام سننے والوں کو فردوس جمال کا سلام. السلام علیکم, میں محمد ادریس, آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر. میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اتوار سے جمعرات تک. ساتھ نبھاتے رہیے آپ کا اپنا ریڈیو سلام بی سی آر آن میڈیم ویو 1566 اینڈ آن لائن. السلام علیکم جی, میں ہوں سائرہ نسیم. میری طرف سے تمام سننے والوں کو سائرہ نسیم کا پیار بھرا سلام. سلام بی سی آر کے لیے بہت جلد ایک ملاقات ہوگی. سلام بی سی آر. تھینک یو. خدا حافظ. Salam BCR. Medium wave 1566. On it. Everywhere. السلام علیکم, میں آپ کا حسن مراد پروگرام خبرناک جیو نیوز سے تمام سننے والوں کی خدمت میں محبتوں بھرا سلام. ریڈیو اسلام بی سی آر کے لیے سلام بی سی آر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر. میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام سننے والوں کو ماہ رمضان مبارک ہو. آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا میزبان فرید احمد. سنتے رہیے اور ساتھ نبھاتے رہیے سلام بی سی آر. میں حق انوار الحق اور آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر گریٹر مینچسٹر اور ارد گرد کے علاقوں میں. اس کے علاوہ آپ ہمیں سنتے ہیں پوری دنیا میں سلام بی سی آر ڈاٹ کام پر. میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب سننے والوں کو رمضان مبارک. اللہ آپ کی نیک تمنا آرزو اور ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سنتے رہیے سلام بی سی آر, آپ کا اپنا لوکل ریڈیو. جی دے سامین, سانوں فرمائش کی تھی اور فرمائش کی تھی شائستہ بہن, تھی ریڈیل پروگرام سن رہے اور تھی کہہ رہے سی جی کہ ہنا نصراللہ دی آواز چ کوئی زبردست اچھا جا کلام تھی سنا دیو. تو چلو جی میں لب لیا تھوڑے لی اور لو شائستہ بہن تھوڑے لی ہنا نصراللہ دی آواز چ یہ پیارا جا کلام پیش کر دیں. امید ہے کہ تانوں پسند آئے گا. تو ملتے ہیں جی یہ بعد.
ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਮਦੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 1566 ਪਰ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 3:12 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਗੁਫਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਟਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਨਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਹਾਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਫਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਯਕੀਨਨ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਤਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਔਰ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਨਾਬ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਅਥਰ ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਦ ਅਥਰ ਨਵੀਦ ਕੋਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਰੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਕਡ ਲੇਬਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਾਣੀ
किसे जात नी पुछनी तेरी मंजा चुक दे लाणी नी देरी एवें करना मेरी मेरी एवें करना मेरी मेरी हो तू है मिठी दी डेरी ओ बंदिया अल्लाह दया ओ बंदिया अल्लाह दया तू अल्लाह ही अल्लाह बोल ते जाना ही एक दिन मौला को ते पूरा नाप ते पूरा तोल ते सोनिया मिठड़ा ते सोनिया मिठड़ा मिठड़ा बोल के सजनो हसदा वसदा वेड़ा चार दिना दे मेले एथे जोगियां वाला फेरा मैं उड़क जाना मिट्टी मेरा देश मिट्टी नाल गुजारा कीता नाम मेरा दरवेश मिट्टी खिजर दपेका सोरा बाकी सब परदेश मिट्टी दे उते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ना कर बंदिया मेरी मेरी ना मेरी ना तेरी ना कर बंदिया मेरी चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ए दुनिया दिन चार दिहाड़े की है थो ले जाना ए दुनिया दिन चार कमली वाला जे तू जन्नत जाना ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया जी ते तुसी बड़ा खूबसूरत जिहा कलाम सुन रहे सी बंदिया मिट्टी दिया अतर नावीद कोसर की आवाज़ च और स्टूडियो फाइव की पेशकश सी और समी ने बड़ा चंगा जिहा पैगाम सी इहदे विच कि इंसान दे कोल अज जो भी कुछ है और जिन्ना भी वड्डा हो जाए इंसान जिन्ना भी उहदे कोल माल दौलत आ जाए पैसा आ जाए जायदाद आ जाए जी हाँ एक हर एक बंदा वेखदा है
और हर एक बंदे नूं पता है कि जदों इंसान ने इस दुनिया तो जाना है और इस दुनिया तो जाएगा तो उदों उहदे नाल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जानी बिल्कुल और हमेशा उत्थे सिर्फ अमल जिहड़े हैगे तुहाडे आमाल हैगे वह भी तुहाडे नाल जाणगे इस तों इलावा तुहाडे नाल लगे कोई चीज़ नहीं जाएगी तो खाली हथ होणगे जदों इस दुनिया तो तुसीं जाणा और तुहाडे सिर्फ की कहिंदे कि कुछ गज़ कपड़ा होएगा कुछ तुहाडे नाल जिहड़ा उस कबर च तुहाडे नाल जाएगा तो जिन्नी भी तुहाडी फिर शान और शौकत हैगी जिन्ना भी तुहाडा इस दुनिया ते चलना बहना उठना या जिद्दी भी शान और शौकत नाल तुहाडे तुसी इस दुनिया च रहण लगे हो जिन्नी माल दौलत चाहे बादशाह है कोई भी हैगा तो उन्हें ऐसे ही दो कपड़े च ही इस दुनिया तो चले जाना और मिट्टी के अंदर दफन हो जाना तो फिर असल जड़ी सही जिंदगी हैगी जड़ी असल जिंदगी है वो तो उदा स्टार्ट हो जाना पहले आलमे बरज़ख रहेगा तो फिर उस तो बाद क्यामत जो खड़ी होएगी तो उदों फिर तुहानू जिन्ना वड्डा जिहा बंदा हैगा जिन्ना वड्डा अमीर हैगा जिन्ना वड्डा माल दौलत हैगा उन्ने ही वड्डे वड्डे क्वेश्चन उहदे कोल होणगे और उन्ने ही ज़्यादा पूछगछ होएगी कि जनाब तुहाडा उन्ने सवाल वधी जाणगे ना जिन्ना जिन्ना तुसी वधे जांदे हो तुहाडे उतने ही सवाल भी नाल वधे जाणगे तुहाडा परचा जिहड़ा उह लंबा होंदा जाएगा और जिहड़ा क्वेश्चन दा तुहाडे क्वेश्चन जिहड़े हैगे तुहाडे कोल पूछे जाणे उहनां दी तादाद वधी जाणी है। मैं एक कहानी सुनाई सी कुमार दे खोते दी ते ओ जनाब याद होना पिछले किसी एक वीक तुहानू सुनाई सी कि जिन्ना वड्डा होएगा इन्नियां जिम्मेदारियां ज़्यादा होणगियां और जिन्नियां जिम्मेदारियां इन्ना ही तुहाडा अट्रैक्शन लोगों नाल ज़्यादा होएगा इन्ना ही ज़्यादा लोगों नाल तुसी उठना बहना होएगा और जिन्ना ये तुसी जनाब अपना हल्का वधाई जाओगे इन्ना ही तुहाडे कोल जिहा सवाल जवाब दा पर जड़ा जी वो सिलसिला वधदा जाएगा क्योंकि हर एक बंदे नाल तुहाडा जड़ा सलूक हैगा हर एक बंदे नाल किसे नाल जड़ी तुसी गलबात करदे हो किसे नाल तुहाडा उठना बैठना हैगा किसे नाल कोई भी तुहाडा सलूक हैगा तुहाडा रवैया हैगा उहदे बारे च तुहानू जरूर जना क्वेश्चन किया जाना अगर ते तुहाडा अखलाक चंगे हैगे तुसी अच्छे इंसान हैगे तो फिर तुहाडी परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर तुसी सोचते कि तुहानू गुस्सा जल्दी आ जाता है तुसी अगले नू बर्दाश्त नहीं कर पाते या अगले नू तुसी बुरा भला कह देंदे हो तुहाडी ज़बान ऐसी हैगी जिहदे विच जिहड़ा ना नाज़ेबा अल्फाज तुसी दूसरे लिए अदा करते हो या फिर तुसी ऐसियां चीज़ां जी हाँ ऐसियां चीज़ां ऐसी ऐसी गल्लां दूसरे नाल कर जाते हो फिर दूसरे के पिछे बह के तुसी गल्लां करते हो जिहड़ी गिब्बत आती है ये सारिया चीज़ा ऐसा कि जिद बारे तुम्हें क्वेश्चन आना थोड़े ना सवाल किया जाना क्या मतले दिन तो इस वास्ते अगर थोड़े चंगे अखलाक हैगे थोड़े ना उठना बहना अच्छा हैगा दूसरे नाल थोड़ी जी कि शराफत थोड़ी ही जिंदगी गुजरती पी है और कोशिश तुसीं यही करदे कि किसी दूसरे तुसों तुहाडे तरफों तकलीफ ना पहुँचे तो फिर तो अच्छी गल है और अच्छे अखलाक नाल ही रहना चाहिए है। मैं तुहानूं दसां कि मेरे एक दोस्त हैगे और मेरे अक्सर मैं उन्हां नूं वेख के उन्हां दी जिंदगी नूं वेख के मैं काफ़ी चीज़ां मैं अपने अंदर लैके आया काफ़ी चेंज कीती मैं अपनी जिंदगी दी क्योंकि मैं वेखे कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है मैं उन्हां दा नां नहीं लवांगा लेकिन को मेरा नहीं लगता कि मैनू कदे भी ऐसा होया हो कि उन्होंने किसे बंदे नाल लड़ाई की होवे झगड़ा किया होवे किसे बंदे नाल गुस्सा किया होवे या किसे बंदे नाल नाराजगी की होवे या किसे बंदे नू उन्होंने को गिला शिकवा देखो ना तुसी इस दुनिया च रहंदे हो ते अक्सर तुहानू किसे नाल ऐ हो ही नहीं सकता
अक्सर होता है कि तुहाड़े गिले शिकवे तुहानू या किसी नाल होंगे या किसी नू तुहाड़े नाल होएगा कोई चीज़ तुहानू चंगी नहीं लगी होगी या किसी अगले नू चंगी लगी होएगी। लेकिन उस बंदे दी मेरा बहुत करीबी दोस्त हैगा और मैं तुहानू दस रहा कि उस बंदे ना तो कि मतलब किसी नाल कोई गिला नहीं हैगा तो किसी नू उहदे नाल कोई गिला नहीं हैगा। इन्ने अच्छे अखलाक दा मालिक इंसान और मैनू फख्र है कि वो मैं उन्हों अपना दोस्त बनाया हैगा और बल्कि मैं तो ये कहाँगा जी कि वो मेहरबानी कि वो मैनू अपना दोस्त समझाएगा और जनाब ऐसा प्यार हैगा सलूक हैगा आपस से तो कोशिश यही करीदा था कि वो को जड़िया चंगिया गल् है वो सीखिए और अपनी जिंदगी तो मैं तुम दस रहा कि मेरे मतलब कुछ अरसे मेरी अपनी जात में काफ़ी चेंजिंग आई हैगी मेरी काफ़ी तब्दीली आई हैगी। तो ये चीज़ होंगी कि इंसान जदों दुनिया से रहा है तो उन्हों कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी गल जी दूसरे च हैगी वो तुसी सीखो वो को जड़ी जिंदगी तो तुसी कुछ ना कुछ हासिल करो। और सब तो बड़ी तो चीज़ है कि साढ़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उन्हां दी हयात तो उन्हां दी जिंदगी ते उन्हां दी सुनत तुसी अमल करो और जो भी वो सानू जी हाँ साढ़े वास्ते रहनुमाई वास्ते जो भी सानू दस के गए या फिर अल्लाह ताला अपने कलाम विच जिहड़ा सानू हदायत दिंदा उन्हों हासिल करिए। लेकिन है कि यह इंसान जड़े हैं जी क्योंकि वो फिर अक्सर जहन चाहता जी कि अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि वो तो अल्लाह के पैगंबर सने या फिर अल्लाह ताला असी वो चीज़ा असी आम इंसान असी तो नहीं कर सकते असी किस तरह कर सकते हैं वो तो खास जरा ना अल्लाह के बंदे से। लेकिन देखो जी कि सही है थोड़ी तो शायद किसी हद तक गल सही है लेकिन अगर तुसी 50% भी कर लो ना 60% भी कर लो अद्धा भी कर लो तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा काम है नहीं है नामुमकिन नहीं हैगा कोई भी ऐसा काम नहीं हैगा जो कि इंसान ना कर सके। एक मैं बुज़ुर्ग वेखे और शायद तुसी भी तुहाडी नज़रों तो भी उन्होंने वीडियो गुजरी होनी पाकिस्तान एक बुज़ुर्ग है कि बड़े अच्छे उहदे ते सीगे अपना मैं किसी महकमे च शायद DCC गए या कोई इस तरह का उन्होंने उहदे च पाकिस्तान तो उन्होंने की होया कि उन्होंने वो सारा जॉब नौकरी छड़ के हर चीज़ छड़ के तो वो उन्होंने सारी जिंदगी जड़ी है वो हुण उन्होंने अपनी सारी जिंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनत के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रख के वो हुण गुजारनी शुरू कर दी उन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर लिया अपना उन्होंने घर च लाइट नहीं हैगी उन्होंने दिए तो उस दौर मैं कहना कि उस दौर वो अपने आप को लै गए जड़ा कि हजूर सल्लम के दौर जोड़ा कुछ उन्होंने किताबों चो हासिल होया या मिले कि किस तरह की जिंदगी गुजारते सी वो बिल्कुल उस तरह ही वो लै गया। मैं नहीं यह पता कि वो सही करे या गलत करे लेकिन उन्होंने मैं कह रहा कि इश्क मुहम्मद सल्लम इश्क नबी सल्लम और क्या मतलब उन्होंने इश्क की की कहें कि बुलंदी हैगी कि वो अपने आप को अपनी जिंदगी उन्होंने बिल्कुल उस तरह ही कर लिया जिहड़ा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सी और उन्होंने घर सारे बर्तन मिट्टी दे है और उन्होंने मकान जिहड़ा घर हैगा वह मिट्टी का बनया ठीक है और यानी कि उन्होंने अच्छी जॉब तो उन्होंने दसते अच्छी जॉब उन्होंने छड़ दी खैरबाद कह दिता उन्होंने ठीक है तो कमाने लिए वो अपना वो कहने जी कि मैं मैनू नहीं याद कि लास्ट टाइम मैं कदू जी दवाइया है जीडिया ये कदों मैं खाइया सी मैं तो ज़्यादातर हिकमत से हूँ जरा ना अपना इलाज करदा या जो भी कोई मैं प्रॉब्लम आती है तो हिकमत जरा है देसी जड़ी बूटियां नाल इलाज करदा और फिर उन्होंने रहन सहन गड्डी इस्तेमाल नहीं करते घोड़े तो घोड़ा इस्तेमाल करते हैं अपना या ऊंटनी इस्तेमाल करते हैं जब कि सफ़र करना हो कोशिश तो यही करते हैं कि जी दूर सफ़र ना हो नज़दीक ही सफ़र का हो नज़दीक का सफ़र या तो अपना घोड़ा इस्तेमाल करते हैं या फिर ऊंटनी इस्तेमाल करते जिद उस सफ़र करते
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਬਿਸਤਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੁਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ, ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਬਹਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਓਲਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ
किसे नूं मैं अपना दुखड़ा सुनाया किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाया ए ते लाई रखी सोनिया सीने नाल लाया लाई रखी सोनिया लगिया ने मौजा आका दे गुलामा मैं इतना गुलाम दे खास मैं ते अमा दुविया आका दे गुलामा दा मैं अपना गुलाम लोकी के दे खास मैं जे पाया अमाल लाया नहीं सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया लगिया ने मौजा आका दे गुलामा मैं इतना गुलाम लोकी कहते खास मैं ते अमा तुविया आका दे गुलाम मैं इतना गुलाम खास मैं ते अमा तुविया परदा जे पाया ते पाई रखी सोनिया परदा जे पाया ते पाई रखी सोनिया चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया लगिया ने मौजा हशर दिहाड़े जदों अमलां नूं तोलना शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना हशर दिहाड़े जदों अमलां नूं तोलना
शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना कमली च अपनी लुकाई रखी सोनिया बस कमली च अपनी लुकाई रखी सोनिया चंगियां के मंदे निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा तेरे बाजों आका किसे खबर ना लईए बड़े चिर बाद आका मेरी सुनी गई है तेरे बाजों आका किसे खबर ना लईए बड़े चिर बाद आका मेरी सुनी गई है बनी हुई बात बनाई रखी सोनिया बनी हुई जी दे जमीन सुन रहे सी लगियां ने मौजा और एक जनाब कलाम लिखिया और बड़ा खूबसूरत अंदाज च पढ़िया भी है रफीक जिया साहब जी हाँ उन्हां दी आवाज़ च अपनी आवाज़ च सुन रहे सी और अपना ही उन्हां दा कलाम सीगा रफीक जिया साहब ना उम्मीद है कि तुसी इंजॉय किया ना लेंदे एक छोटी जी ब्रेक लेंदे जी जाना नहीं किधरे छोटी जी ब्रेक लेके फिर असी इंशाल्लाह मिलने हैं। अब आपको महीने भर की शॉपिंग के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, अब कीजिए घर भर की शॉपिंग एक ही छत तले। खरीदारी का बासहूलत और मुनफरिद अंदाज कश्मीर सुपर स्टोर बैरी, जहाँ आपको मिले ताज़ा फल और सब्जियाँ, तमाम मसाला जार, फ्रेश मीट, पोल्ट्री आइटम्स, इसके अलावा आटा, नीट एंड क्लीन दालें, चावल और बहुत कुछ मयार का इत्मीनान और सबसे बढ़कर मुनासिब दाम। कश्मीर सुपर स्टोर बैरी, 134 रोस्टेल रोड बैरी, BL97BD। कॉन्टैक्ट 01617970550। कश्मीर सोना। सलाम BCR, मीडियम वेव 1566 एंड ऑनलाइन, योर होम ऑफ एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड बियॉन्ड। चेक आवर वेबसाइट project29.org.uk। Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं रेडियो सलाम BCR, मीडियम वेव 1566। मैं हूं फरीद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं हर सोमवार की शाम 7 से 9 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो सलाम BCR। सलाम सलाम सलाम, our radio your radio community radio, tune in media wave 1566। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप मेरी आवाज इस वक्त जिस रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं उसका नाम है सलाम BCR। सलाम BCR की तमाम टीम को और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो सुनते रहिए सलाम BCR। सामिन, आपको सलाम BCR के स्टूडियो से खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम शाजिया है, मेरा और आपका साथ रहेगा हर जुमेरात को 6 से 9 बजे तक और हर जुमातुल मुबारक को 2 से 5 बजे तक इंशाल्लाह। मैं आपके साथ रहूँगी। उम्मीद है कि आप हमारे रेडियो की नशरियात को सुनकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए सलाम BCR। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलाम BCR, इसमें आपकी मनपसंद के गाने, आपके मनपसंद के प्रोग्राम और आपके मनपसंद के फनकार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। जुड़ जाइए रेडियो सलाम BCR के साथ।
size you like by size of berry. Any size, big or small. Outdoor shop signage, our specialty. Spray paint overs. Internal signage fit outs, not a problem. Over 20 years experience fitting across the UK. Fast, efficient service, our promise. Contact Sultan on 07973794012. Want to be on radio? Then log into our website www.project29.org.uk and email me, Aidan, for more details. सलाम बीसीआर के तमाम सुनने वालों को मेरी यानी मोहम्मद इदरीस की तरफ से माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि ये महीना आपके लिए बेशुमार रहमतों, बरकतों और बख्शिश का सबब बने। दुआ में याद रखिए और सुनते रहिए सलाम बीसीआर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजा अली। सलाम बीसीआर के सुनने वालों को मेरी तरफ से रमजान करीम मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों को फिरदौस जमाल की तरफ से रमज़ान करीम की आमद मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस महीने की फैज़ो बरकात समेटने की तौफीक अता करे। अल्लाह तबारक ताला तमाम दुनिया के मुसलमानों पर और खुसूसन सुनने वालों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़। जी तो समीन, ब्रेक जाने से पहले जी हाँ, हमें याद किया खुर्शीद साहब आपने, और खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपने एक फरमाइश की है तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं फरमाइश पेश करता हूँ। आप सुनना चाह रहे थे शाह मदीना, और इस वक्त मेरे पास जी हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह मैं आपको सुनाता हूँ। हमें याद किया था अरसलान साहब आपने जिते मिल से, बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपको बताते चलें सामीन, इस वक्त आप असलाम बीसीआर मीडियम वाई 1566 पर सुन रहे हैं, और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इदरीस। हमारा साथ है 5 बजे तक को। 5 बजे के बाद जी हाँ, अनवारुल हक भाई इफ्तारी का प्रोग्राम आपके साथ लेकर आते हैं, आपके लिए पेश करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम। तो साथ रहिए, सलाम बीसीआर का साथ देते रहिए और सुनते रहिए। आप हमें पूरी दुनिया में इस वक्त सुन रहे हैं salambcr.com के ज़रिए, हमारी वेबसाइट के ज़रिए। चलते हैं सामीन, क्योंकि हमें काफ़ी देर से फरमाइश की हुई थी, ब्रेक आ गई, और तो चलते हैं सुनते हैं नाते रसूल मकबूल, और ये है जी हाँ शाह मदीना, और इसकी फरमाइश की खुर्शीद साहब आपने, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी, और लीजिए समात फरमाइए।
जी तो तुम सुन रहे सो शायद मिनी की आवाज़ च खूबसूरत जी नात सी और नात सी जनाब फरमाइश की सी सानू मोहतरम खुर्शीद साहब तुसी और साढ़े बड़े प्यारे जे दोस्त न और हमेशा सानू याद करते हैं और बड़ा प्यार करते हैं साढ़े न बहुत शुक्रिया तुहाडा और एक तो प्रोग्राम तुसी सुनते पे दूसरा है कि तुसी फरमाइश की प्रोग्राम शिरकत की एदे लई ते उम्मीद है कि तुहानू तुहाडी रूह नू तस्कीन मिलिया होएगा ए नात सुन के तो लो जी समी ना साढ़े स्टूडियो के घड़िया जरा ना 3:58 हो गए और असी लेंदे एक छोटी जी ब्रेक लेंदे हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक तो बाद लेकिन तुहानू फिर एक दफ़ा याद दहानी करते चलना ये वो समय ने जड़े कि जिन्हें जड़े कि जुका देना चाहते हैं या फितराना है या फिर उन्होंने कोई सदका खैरात करना चाहते नेकियां कमाना चाहते हैं अल्लाह की राह च खर्च करके अल्लाह ताला उन्होंने देते है और खर्च करना चाहते तो उन्होंने फिर यादगानी करा दी कि उन्होंने जो भी देना करना हैगा वो किसी गरीब नूं जो भी इमदाद करनी हैगी वो जरा टाइम नाल कर लो क्योंकि जड़ा ना होंदा है कि ईद की खुशियां उन्हां दियां दबाला हो जाए जड़े कि आसानी नाल जो भी उन्हें लेना देना हैगा वो ले लैन तो उन्होंने यही गुजारिश है कि टाइम नाल अगले दे घर अपने जड़ा ना तुहानू क्योंकि रमज़ान है तुहानू सवाब पहुँच जाना है और चाहे तुसी आखिर ते जाके दवो या पहले दवो नेकियां तो तुहानू 70 गुना ज़्यादा सवाब मिल ही जाना तो फिर क्यों नहीं तुसी हुण टाइम नाल उन्हां दे हवाले कर दिओ ताकि वह अपनियां खुशियां मना लैन अपने अच्छे तरीके नाल जो भी उन्होंने चाहिए जरूरत की चीज़ा वो ले लैन और ईद अच्छे तरीके ने गुजार लैन और थैंक यू गुफार साहब तुसी सानू याद कराया सी मैसेज दिता सी तुसी साढ़े सामी नू ते असी फिर दोबारा उन्होंने कह दिता इंशाल्लाह और उम्मीद है कि साढ़े सामी ने देर नहीं करनगे लेंदे हैं जी ब्रेक लेंदे हैं और मिलते हैं फिर इस छोटी जी ब्रेक तो बाद साढ़े ना रहना जाना नहीं तुसी किधरे सलाम बीसीआर के तमाम सुनने वालों को मेरी यानी मोहम्मद इदरीस की तरफ से माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि ये महीना आपके लिए बेशुमार रहमतों बरकतों और बख्शिश का सबब बने। दुआ में याद रखिए और सुनते रहिए सलाम बीसीआर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं सलाम बीसीआर। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम सुनने वालों को माह रमजान मुबारक हो। आपकी दुआओं का तलबगार आपका मेजबान फरीद अहमद। सुनते रहिए और साथ निभाते रहिए सलाम बीसीआर। GT Tires and Motors, Part 1 and New Tires. GT Tires and Motors, parts for all makes of vehicles. GT Tires and Motors, full fitting and servicing. GT Tires and Motors, all your motoring needs now under one roof. GT Motors, 2 York Street, Bury, BL9 7AR. Phone 0161-258-3676. Off Rochdale Road near Nurul Islam Masjid. Prices you like, service you can trust. GT Tires and Motors, Bury. Salam, salam, salam. Our radio, your radio. Tune in, MediaWave 1566. Salam BCR, Medium Wave 1566 and online. Your local radio, broadcasting across Greater Manchester and beyond. Phone 0161-221-9872. Excuse me, is there any spare part shop around here? Yes, Mr. Fix Karke. Yes, Mr. Fix Karke. Mr. Fix Karke, the name of quality spare parts at low prices. All makes and models. Engine oil, brakes, all car service parts, accessories, electric and DIY. 169 Rochdale Road, Bury. BL9 7BB. Phone 0161-763-9090. Mr. Fix, 30 years experience of car parts business.
अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं नाफशा प्रोग्राम लेकर आता हूँ एक मुलाकात हर सोमवार शाम 5 से 7 बजे तक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम बीसीआर मीडियम वेव 1566 पर। सुनते रहिए, साथ निभाइए। तमाम सुनने वालों को फिरदौस जमाल का सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस, आप सुन रहे हैं सलाम बीसीआर। मेरा और आपका साथ होता है इतवार से जुमेरात तक, साथ निभाते रहिए आपका अपना रेडियो सलाम बीसीआर ऑन मीडियम वेव 1566 एंड ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सायरा नसीम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सायरा नसीम का प्यार भरा सलाम सलाम बीसीआर के लिए। बहुत जल्द एक मुलाकात होगी। सलाम बीसीआर, थैंक यू, खुदा हाफिज़। Salam BCR, medium wave, 1566, on it, everywhere. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका हसन मुराद प्रोग्राम खबरनाक जियो न्यूज से तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बतों भरा सलाम। रेडियो सलाम बीसीआर के लिए सलाम बीसीआर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना नाफशा। आप सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान बरकतों वाला मिले और हमारी इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। सुनते रहिए, साथ निभाइए, सलाम बीसीआर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गोशी खान है, पाकिस्तान फिल्म टीवी और स्टेज का अदाकार हूँ। सलाम बीसीआर की तरफ से तमाम सुनने वालों को रमजान की बरकतें मुबारक हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद वसीम। सलाम बीसीआर के सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक, दिल की गहराइयों से रमजान मुबारक। लो जी समय तुम सुनते पे प्रोग्राम सबरंग, और सबरंग मैं तो मेज़बान मोहम्मद इदरीस, और प्रोग्राम के आखिरी घंटे असी दाखिल हो गए हैं। साढ़े स्टूडियो घरें चार बज के चार मिनट हो गए, पाँच मिनट बरके हो रहे, और जी हाँ कि तुम्हें पता ही है कि साढ़ा सात पाँच बजे तक होंगे, और पाँच बजे तो बाद अनवारुल हक भाई अपना इफ्तारी का प्रोग्राम लैके आते हैं, तुहाडे लई प्यारा जिहा खूबसूरत जिहा प्रोग्राम होंदा है, और तुहानू इफ्तार करा के जाते। ते जनाब तुहाडे कोलों एक सवाल पूछा सीगा, और सवाल ये पूछा सीगा कि तुसी दसो जी कि केड़ी चीज़ है जिहड़ी पीण नाल रोज़ा नहीं टुटदा। जे तुहानूं साढ़े काफ़ी सारे जिहड़े सामीन हैगे उन्होंने सानूं जवाब दिता हैगा, और ज़्यादातर दा जवाब सही हैगा, लेकिन अगर तुसी हाले तक मैनूं नहीं दस्या इहदा ते ज़रूर दसो। और थैंक यू करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं साड़ी भैन तबसम का जड़ा कि सानू कॉल की बोल्टन तू, और हमेशा कह रहे जी कि असी अज बड़ा चंगा जहा मौसम से बच्चों लैके पार्क गए सी, और बड़ा दिन उत्थे बड़ा अच्छा गुजारिया है, और धुप सेकी हैगी, और यकीन मानो इतने यूके धुप निकलना और धुप होना ये बड़ी अल्लाह ताला दी नियमत है, और अक्सर जड़ा ना साढ़े तुहानूं बच्चों विच कैल्शियम की कमी महसूस होंदी है होएगी, और मेरी छोटी बच्ची मेरे उन्होंने तो काफ़ी टेस्ट शेस्ट कराया तो उन्होंने तो काफ़ी कमी सीगे, और हुण वो विटामिन दे ड्रॉप जिहड़े वो दे रहे हैं, और ताकि वो कैल्शियम की कमी जी हड्डियाँ थोड़ी मजबूत होवन। लेकिन यह जी धुप होंगी है तो कुदरती जड़ा ना वह मुतबादल है नहीं, जी तुम मेडिसिन खाते हो या दवाई खाते हो तो मुतबादल है ही नहीं, तो इस वास्ते जो एज ए मौसम हो कोशिश करे करो कोशिश किया करो कि जोड़े काम थोड़े है सुबह सुबह कर लो या शाम कर लो, और जी हाँ किसरे घर जो थोड़े लॉन हैगा या बैकयार्ड हैगा तो वह धुप सेक लो, या फिर तुम पार्क ही चले जाओ उत्थे बह के धुप सेक लो, ताकि बॉडी जी कैल्शियम की कमी हैगी
वो पूरी होंदी रहे और तुहानू दवाइयां नहीं खानियां पैन बल्कि नेचुरली जिहड़ी तुहाडियां तुहाडे लई इह बड़ी बहुत जरूरी है तुहाडी बॉडी लई जिहड़ी ना इह धुप जिहड़ी है कि बहुत जरूरी है साढ़े कई लोग तो जनाब परवाह नहीं फिक्र नहीं आती परवाह नहीं आती लेकिन शायद शुरू च तुहानू इस चीज़ का एहसास ना हो शुरू च तुहानू फिक्र ना हो लेकिन एक टाइम आता है जो जो 50-60 साल की उम्र बंदा पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला जिंदगी दे सारे तो जो उत्थे पहुँच जाते तो फिर तुहानू आस्ता आस्ता तुहाडे जोड़ों च दर्द शुरू हो जाता है तुहाडे शुगर हो जाती है तुहानू जिहड़ियां होर इस तरह दी बीमारियां बेशुमार बीमारियां जिहड़ियां ना होनियां शुरू हो जाती और यूके च काफ़ी ज़्यादा हैगा और इस वजह यह कि सानू एक इतने के मौसम की वजह तो ना कि सानू धुप नहीं लगती और गर्माइश नहीं आती इतने गर्मी नहीं आती उस तरह की तो जिंद वजह तो साड़ी बॉडी जी ना वो जी नैचुरल एक बॉडी रिक्वायरमेंट हैगी पूरी नहीं हो सकती और जिंद वजह तो असं बीमारियों शिकार होंगे तो इस वास्ते कोशिश करनी चाहिए जो मौका मिले सानू साडे कोल टाइम होवे जो ऐसा मौसम होवे तो असं उहदे कोलों पूरी तरह इंजॉय करिए और उहदा पूरा फायदा चुकीए। तो मेरे ख्याल अज का दिन हैगा कल तो फिर बारिशां शुरू हो जाणियां ने और फिर दोबारा धुप निकलनी है पर जे अगे तरह पता अगले महीने निकलेगी या ईद वाले दिन अल्लाह करे असीं तो सारे दुआ करते हैं कि ईद वाले दिन यही जो अच्छा जहा मौसम होवे अल्लाह ताला सानूं खूबसूरत जहा मौसम दोवे और साड़ी ईद जिहड़ी है वो अच्छी गुजरे। तो दसो तुसी तुहानू पता लगा नहीं इस चीज़ का कि जड़ा कि तुहानू मैं पूछ रहा बार बार इस चीज़ पूछ रहा और तुहाडे नू मैं नंबर भी दस दिंदा तुहानू यह भी दस दिंदा जी कि तुसी सानू सुन रहे हो सलाम बी सी आर मीडियम वेव 1566 पर ते तुसी सुन रहे हो ग्रेटर मैनचेस्टर बरी च और इहदे गुरदवाना जिहदे कि बोल्टन ब्लैकबर्न जे तुसी रिचडेल भी हो या ओल्डम विचो तुसी या फिर स्टॉकपुट विचो तुहाडे तक साडी रेडियो तो आवाज़ आ रही है जनाब चिडल विच भी अल्ट्रिंगम सेल ली वीगन आस्टन अंडरलाइन ये सारे इलाकें तक तुहाडी तक सारे इलाकें तुहाडे तक साडी आवाज़ पहुँचती है। तो इस तो अलावा तुसीं जनाब यूट्यूब ते सानू ज्वाइन किया और पूरी दुनिया च वेख रहे हो सानू और इस तो अलावा यूट्यूब तो अलावा तुसीं सानू जनाब सुनते होगे salambcr.com वैबसाइट है साड़ी उहदे जरिए तुसीं जनाब पूरी दुनिया च सानू सुनते हो तुहानू तुहाडे तक आवाज़ पहुँचती है। तो नाल नाल तुहानू फोन नंबर भी जी साडे असीं अपने फोन नंबर भी तुहानू दसी जाइए और फोन नंबर हैगा 01612219872 ते नाल साडा दूसरा नंबर हैगा 07990264144 सानू मैसेज किया जी अतिया हो रही और अतिया कहें जी कि जनाब कह रही जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुसी पहले सानू मैसेज किया है यूट्यूब पर भी तो हूँ वट्सएप पर मैसेज किया थैंक यू तुहाडा मैनचेस्टर च तुसी प्रोग्राम सुनते पे और तुसी कोई शायद फरमाइश भेजी हैगी और कोशिश करते हैं कि वह फरमाइश तुहाडी पूरी करिए लेकिन उस तो पहले जनाब साडे नाल एक कॉलर हन तो वेखते हैं जी कि वह की कहना चाहते हैं साडे जनाब यूनस साहब ओल्डम तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम हेलो हाँ जी अस्सलामुअलैकुम जी यूनस भाई कैसे हैं जी अस्सलामुअलैकुम सुनाओ भाई क्या हाल चाल है हाँ जी ठीक ठाक तुसी सुनाओ सेहत से ठीक है तुहाडी रोजे कैसे जा हाँ जी रमजान च किधरे गा भी होगा तुसी लगता है कि जना ना फोन ते भी रोजा रख लिया हाँ जी अल्लाह का शुक्र मैं फोन ते रोजा तो नहीं रख लिया नहीं रोजा नहीं रख ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ
चलो हूँ तो असी क्लीयर कर लिया करांगे जी साड़ी के असी क्लीयर कर लगा कि साढ़े नाल केड़े भरा हैगे और ये साढ़े जनाब मामन यूनस मुगल साहब हैगे और जनाब सुनाओ दे अपना मौसम इंजॉय कर रहे हो अज आखिरी दिन है मौसम दा भी जी मौसम माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है तो काफी निकली गर्मी हां जी पै रही है अच्छा तुसी आज गल की पूछी सी मैं पूछ रहा सी कि वो केड़ी चीज हैगी जेड़ा पीन नाल ना रोजा नहीं टूटदा मेरा गुस्सा पीन नाल रोजा नहीं टूटदा आ तुसी ते खड़ाक करके तुसी आने री दस दित्ता सारेयां नु चलो चलो हाँ जी हाँ जी चलो ये मैं हाले नहीं दसांगे तो सही क्या या नहीं क्या कुछ होर भी तो हो सकता ना है हाँ जी बिल्कुल मेरे ख्याल च चलो ये भी असी थोड़े जवाब रख लें तो आखिर तो तुम दसांगे कि जवाब सही है या नहीं है तो साढ़े काफ़ी लोगों ने साढ़े प्रोग्राम में शामिल किए हर एक ने अपना अपना दसिया है जवाब और थोड़ा भी असं उन्होंने नाल रख लें देखते हैं कि सही होता या नहीं होता तो रोज़ रमज़ान दसो रमज़ान किस तरह का रमज़ान तकरीबन होने वाला है हूँ बड़ा तेजी बड़ा जबरदस्त गुजर रहा है मज़ा आ रहा है रमज़ान का हाँ जी बिल्कुल है थोड़ा थोड़ा महसूस होता है शाम नूं और देखो ना कि ओ मज़ा आ जाता फिर जो शाम नूं थोड़ा जिहा तुहानूं आखिरी एक घंटा कॉल हो गई ड्रॉप मेरे काम कर रहे हैं और गड्डी चला रहे कि सिग्नल ड्रॉप है हो गया होने चलो थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया और सवाल का जरा मैं अज एक गल पूछी सी सवाल तो नहीं सी एक गल पूछी सी तो जवाब भी दिता और मेरे ख्याल थोड़े साढ़े एक और कॉलर जी चलते हैं फोन लाइन और वेखते हैं जी कोई कौन है की कहना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर हाँ जी जनाब कौन गल करे ते कितु गल करे हो सर मैं फरीद अर्ज कर रहा हूं देखो जी अन्ना तुसी चेंज करके क्या जी अस्सलाम वालेकुम हैं सर मैं बिल्कुल चेंज नहीं किया मैंने अच्छा किया अच्छा अच्छा मैं क्या तुसी इस तरह तुला आवाज अक्सर जड़ा ना साडे कोई दोस्त है गया आवाज चेंज करके कर दें कि शायद पहचान दें या नहीं पहचान दें ठीक है नहीं सर आवाज चेंज करने का फन अभी तक नहीं आया अच्छा फन है बह के गल बात कर हाँ जी अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का करम है मेहरबानी अल्लाह ताला दी तुसी सुनो कैसा जा रहा है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह तुसी हुण साडे लई ईद दा चन्न हो गए हुण ईद ते ही नजर आओगे हैं नहीं ठीक है तुहानूं जरा अच्छा हो गया तुहाडे लई जरा जॉब दा मसला हो गया ते काम दा लेट खत्म हो गया हाँ जी मेरी गहरा रही है वरना मैं यकीन करो मेरा बहुत दिल सी कि मैं रमजान शरीफ च प्रोग्राम करा हाँ जी लेकिन मजबूरी आले आ जांदी है कभी कभी नहीं कोई बात नहीं चलो अच्छी अच्छी गल है असी जनाब कोशिश कर रहे हैं कि उन्हों किसी ने किसी तरीके नाल असी तो नहीं उस तरह तो नहीं असी थोड़ी जगह नहीं लै सकते लेकिन कोशिश करते हैं कि चलो किसी न किसी तरह को कवर करिए और अनवर भाई माशाल्लाह शाम को करते प्रोग्राम रफ्तारी का हाँ जी डेली अफतारी का प्रोग्राम करते हैं सुबह शाजिया भैन आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत चलो है कि कवर हो जाता है तो हाँ जी तो थोड़े लिए थोड़ी ईजी हो गया सू भी मुनासिब नहीं सी लगता कि वो उतू तुसी आओ तो वो फिर रमज़ान के अफतारी के टाइम फिर दौड़ दे तो अच्छा हो गया चलो कोई बात नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ
روزہ افطار ہو جائے تقریباً اسٹارٹنگ تو ظاہر ہے سوا آٹھ بجے کا ایسی ہوا ساڑھے آٹھ تک پہنچ گئے ہاں جی ساڑھے آٹھ تک پہنچ گئے انوار صاحب کہنے لگے گھنٹہ پروگرام کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہاں جی یہی چیز ہے یہی چیز ہے یہی چیز ہے اس لیے انہوں نے جناب پروگرام کور کر رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمایا ہاں جی بس یہ دیکھو نا جی ہمت ہی گل ہے ہمت ہی گل ہے ماشاء اللہ انوار بھائی کی ہمت ہے کہ مطلب ہے کہ وہ اتنا اچھا دیکھو کتنا خوبصورت تھی سنتے ہونا کہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت پروگرام وہ افطاری کا کرتے ہیں ماشاء اللہ ہاں جی تھینک یو جی آمین آمین اور ہمت دے رہا اللہ تعالی تمہارے ہمت دے رہا کیونکہ تسی کافی پروگرام کر رہے ہو کافی ٹائم دے رہا ہے اور انٹرسٹیشن دے رہے ہو ہاں جی تھینک یو تھینک یو کیونکہ سارا اپنا ریڈیو سٹیشن ہے لوکل ریڈیو سٹیشن ہے ہاں جی ہاں جی بالکل اس طرح تھوڑی کوئی اپنی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کو تسی ذرا پیار نال ہاں جی پیار استعمال کر رہے ہو اس طریقے واسطے واسطے انشاءاللہ ساڈے جڑا نا سنگی ساتھی ہور وچ شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ رمضان تو بعد کافی چینجنگ بھی آ رہی ہے پروگرام نئے سٹارٹ ہو رہے ہیں ہاں جی انشاءاللہ بہت اچھے 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 پروگرام انشاءاللہ عید تو بعد ہوں بھی عید تو بھی اسی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان چ بھی اسی جڑا نا کہ اسی اپنے سامعین نال 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 رویے اور انہاں دا روزہ اسی جناب جڑا نا اچھے طریقے نال اسی انہاں دی روح نو جڑا نا اسی کی کہنے تر کر دے رہیے بالکل صحیح ہاں جی صحیح سر تے میری ریک تے منائے سر پوری ٹیم لئی سب نو میری طرف سلام اور میرے جتنے بھی لسنر اس وقت ساتھ سے باہر ہیں دوڑا میری طرف سب نو رمضان مبارک اور ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ پلیز رمضان دے اس برکت مہینے دے وچ تمام مسلمان دی اماں نو یاد رکھن اپنی دعاواں شامل رکھن تے جڑا کووڈ آیا ہے اللہ تبارک تعالی اس تو جلد از جلد پوری دنیا کی جان چھڑا اور بالکل یہ پھر عبادت کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ بے شک بے شک ماشاءاللہ جی لوگ جڑے نے وہ پنجاب کے نماز پڑھ دیں قرآن پاک کی تلاوت کر دیں پھر تراوی دی مطلب ہے عبادت کر دیں اللہ تبارک تعالی ان دی دعاؤں دے صدقے ضرور اس بیماری تو نجات دے گا انشاءاللہ نجات دے گا ہاں جی انشاءاللہ بس دعاؤں شامل رکھیو سر بہت شکریہ تہاڈا ٹائم دین دا تسی تہاڈا بہت شکریہ جڑا تسی ٹائم کڈ کے جناب پروگرام وچ آئے تسی سانو ٹائم دتا تے بہت چنگا لگا تہاڈے نال گل کر کے بہت ہی اچھا لگا تے تھینک یو بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جناب ایس جی ساڈے ویر ساڈے برا چنگے جے ساتھی ساڈے اور دوست یار جناب فرید احمد بٹ صاحب اور فرید احمد بٹ صاحب اج کل کیونکہ رمضان انہوں نے ذرا چھٹی ملی ہے اور اج کل پروگرام نہیں کر رہے انشاءاللہ عید تو بعد پھر دوبارہ اپنے پروگرام وہ جاری رکھن گے منڈے تو پتہ ہی ہے انہوں کا پروگرام سات تو لے کے نو بجے تک ہوتا ہے اور کوشش کریں گے جی کہ منڈے جڑا پروگرام انہوں نے آتا ہے جڑا سات تو دس بجے اِسی کر لیے اور انشاءاللہ عید تو بعد انشاءاللہ پھر اپنا تھوڑے نال ہون گے امید ہے کہ تسی انہوں نے مس کر رہے ہونے ہو اور لیکن بازکت جی ہاں کچھ انسان دی اپنی ایک روٹین ہوندی لائف دی اور مجبوریاں ہوندی ہیں جن وجہ تو تسی وہ تھوڑا جا جڑا نا تہاڈے تو دور ہے گے انشاءاللہ جلدی واپس آن گے تہاڈے نال ہون گے تہاڈا ساتھ دین گے انشاءاللہ اور ایک تہانوں پتہ ہی ہے کہ کس طرح ہلکا پھلکا گپ شپ تہاڈے نال لوک کردے جڑا سونا جا چنگا جا پروگرام پیش کردے تہاڈے لئی ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਅਗਰ 13ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
नफरी रोज़े तो तुसी किसे टाइम भी रख सकते और चंगा लगता वै और लेकिन इंसान की कोशिश होंगी जी कि ये रमज़ान दी जड़ियाँ बरकतां एदिया रहमतां एदिया जड़ियाँ समेटे और अपनी बख्शिश का समान तैयार करे और आखरत लई अपने निजात वास्ते कुछ ना कुछ इस दुनिया विच कुछ चंगे अमाल करे और ते उदे लई रमज़ान दा महीना सारे तो अफजल हैगा और एदी क्योंकि एदी तुहाडी एक नेकी दे बदले तुहानू 70 नेकियां मिलदियां। तो थैंक यू जनाब फरीद अहमद भट्ट साहब तुहाडा भाई जी तुसी फोन किया प्रोग्राम में शामिल होए। उस तो पहले जनाब साढ़े नाल सन यूनस साहब और मोहम्मद यूनस मुगल साहब और वो कॉल कर रहे सी और दस रहे सी कि बाहर का मौसम इंजॉय कर रहे सी और नाल नाल काम कर रहे सी ते प्रोग्राम भी सुन रहे साडा इस्लाम बी सी आर दे नाल। यही तो चीज़ हैगी कि इस्लाम बी सी आर अगर तो यूट्यूब पर सानू ज्वाइन किए तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर तुम सानू सुनते पे अपना रेडियो तो साड़ी इस्लाम बी सी आर .com के जरिए या फिर रेडियो जहाँ सैट का तुम सानू सुनते पे तो अपना काम भी जारी रख सकते हो नाल नाल तुम सानू भी सुन सकते हो। तो जनाब चलते हैं मानूर अल्ताफ की आवाज़ च एक सुनते हैं जी जबरदस्त कलाम हैगा और वो सुनते हैं तो मानूर अल्ताफ एक बड़ी जानी पहचानी नात खां हैगी और इस्लामाबाद तो तलक है और अजकल काफ़ी ज़्यादा नात जड़ियाँ आ रही और कलाम बड़े अच्छे अच्छे गा रही हैं। तो चलो सुनते हैं जी and press bell icon. And press bell icon. हेलो जी कुछ प्रॉब्लम हो गई सी थोड़ी जी ताखीर हो गई, लेकिन चलो चलते हैं सुनते हैं मानूर अल्ताफ नू और कलाम हैगा जी सैफ अल मलूक दरमियाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह दा ते आवाज़ हैगी मानूर अल्ताफ हुरां दी। सना इलाही जो मालिक है हर दा उस दा नाम चतारण वाला हर मैदान ना हर
शिफात कर दा जिब्राईल जय जिस चाकर नबियां दास कर फिर बिछड़े ना जा वीर वीरान दर्दी हो ते वीर वीरान बाबा बाप दे नाल बहा जी तो समीन है तुम इस रहे मानूर अलताफ नो कलाम सी मियाँ मोहम्मद मोहम्मद बख्श रहमतुल्ला अलैदा सुनते पे सलाम बी सी आर मीटिंग पॉइंट 1566 पर ब्रेक का टाइम हो गया जी लेंदे हैं एक छोटी जी ब्रेक और मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक तो बाद जाना नहीं किधरे अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम गोशी खान है पाकिस्तान फिल्म टीवी और स्टेज का अदाकार हूँ सलाम बीसीआर की तरफ से तमाम सुनने वालों को रमजान की बरकतें मुबारक हों अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ निर्मल अली फ्रॉम पाकिस्तान सलाम बीसीआर सुनने वालों को माह रमजान बहुत बहुत मुबारक हो सामीन आप
आपको रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपकी मेजबान शाजिया हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान मुबारक की तमाम रहमतें और बरकतें अता फरमाए और इस रमजान मुबारक को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए इस्लाम बीसीआर। मैं हक अनवर अल हक और आप सुन रहे हैं सलाम बीसीआर ग्रेटर मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के इलाकों में। इसके अलावा आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में salambcr.com पर। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब सुनने वालों को रमजान मुबारक। अल्लाह आपकी नेक तमन्ना आरजू और ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनते रहिए सलाम बीसीआर, आपका अपना लोकल रेडियो। अब आपको महीने भर की शॉपिंग के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, अब कीजिए घर भर की शॉपिंग एक ही छत तले। खरीदारी का बासहूलत और मुनफरिद अंदाज कश्मीर सुपर स्टोर बैरी, जहाँ आपको मिले ताज़ा फल और सब्जियाँ, तमाम मसाला जार, फ्रेश मीट, पोल्ट्री आइटम्स, इसके अलावा आटा, नीट एंड क्लीन दालें, चावल और बहुत कुछ। मयार का इत्मीनान और सबसे बढ़कर मुनासिब दाम कश्मीर सुपर स्टोर बैरी, 134 रोस्टर रोड बैरी, BL97BD। फॉर कॉन्टैक्ट 0161-797-0550। कश्मीर सोना। सलाम बीसीआर, मीडियम वेव 1566 एंड ऑनलाइन, योर होम ऑफ एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड बियॉन्ड। चेक आवर वेबसाइट project29.org.uk। Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं रेडियो सलाम बीसीआर मीडियम वेव 1566। मैं हूं फरीद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं हर सोमवार की शाम 7 से 9 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो सलाम बीसीआर। सलाम सलाम सलाम, आवर रेडियो योर रेडियो कम्युनिटी रेडियो, ट्यून इन मीडियम वेव 1566। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जान रैम्बो और आप मेरी आवाज़ इस वक्त जिस रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं उसका नाम है सलाम पीसीआर। सलाम पीसीआर की तमाम टीम को और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो सुनते रहिए सलाम पीसीआर। सामिन, आपको इस्लाम बीसीआर के स्टूडियो से खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम शाजिया है। मेरा और आपका साथ रहेगा हर जुमेरात को 6 से 9 बजे तक और हर जुमातुल मुबारक को 2 से 5 बजे तक इंशाल्लाह। मैं आपके साथ रहूँगी। उम्मीद है कि आप हमारे रेडियो की नशरियात को सुनकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए इस्लाम बीसीआर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन बिग्गी। सलाम बीसीआर, इसमें आपकी मनपसंद के गाने, आपके मनपसंद के प्रोग्राम और आपके मनपसंद के फनकार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। जुड़ जाइए रेडियो सलाम बीसीआर के साथ। Signs you like by Signs of Berry. Any sign, big or small. Outdoor shop signage, our specialty. Spray paint overs. Internal signage fit outs, not a problem. Over 20 years experience fitting across the UK. Fast, efficient service, our promise. Contact Sultan on 07973794012. Want to be on radio? Then log into our website. www.project29.org.uk and email me Aidan for more details. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गोशी खान है। पाकिस्तान फिल्म टीवी और स्टेज का अदाकार हूँ। सलाम बीसीआर की तरफ से तमाम सुनने वालों को रमजान की बरकतें मुबारक हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद वसीम। सलाम बीसीआर के सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों को फिरदौस जमाल की तरफ से रमज़ान करीम की आमद मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस महीने की फैज़ो बरकात समेटने की तौफीक अता करे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया के मुसलमानों पर और खुसूसन सुनने वालों पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए।
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. ਜੀ ਤੇ ਸਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਬਰੰਗ, ਔਰ ਸਬਰੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ. ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਔਲਰੇਡੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਊ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਅਤਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਨਾਤ. ਜੇ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ-ਏ-ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ
सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मेरे दिल विच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे ए पैंडा इश्क दा आखिर ते टुरने नाली मुकना है ए पैंडा मंजिल पा नहीं सकदे जड़े बैठे घरे रहंदे ओ मंजिल पा नहीं सकदे जड़े बैठे घरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे दुआ मंगिया करो संगियों किते मुर्शिद ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियों किते मुर्शिद जिना दे पीर रुस जावन ओ जूंदे ही मरे रहंदे जिना दे पीर रुस जावन ओ जूंदे ही मरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे नियाजी मैनू गम का दाए मेरी निस्बत है सुल्तानी नियाजी मैनू गम का दाए मेरी निस्बत किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे नियाजी मैनू गम बत है सुल्तानी किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे सैयदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व
जी तो ज़मीन, आपसे मैंने एक बात पूछी थी और वो पूछी थी कि जी वो कौन सी चीज़ है जिसके पीने से रोज़ा नहीं टूटता, या फिर अक्सर सवाल किया जाता है जी कि वो कौन सी चीज़ है जो हराम है लेकिन पिए तो हलाल है। कौन सी चीज़ है जो हराम है अगर पी जाए तो हलाल है। तो जी दोनों का जवाब अगर आपसे कभी ज़िंदगी में को पूछे कौन सी चीज़ है जो हराम है लेकिन पी लें तो हलाल है, और वो कौन सी चीज़ है जिसके पीने से रोज़ा नहीं टूटता, वो है जी गुस्सा। जी बिल्कुल, बहुत से हमारे सामी ने सही जवाब दिया है और बहुत से तकरीबन सभी ने सही जवाब दिया है और बताया कि जी वाकई गुस्सा है। और ये गुस्सा जो है वो एक इंसान की जज्बाती कैफियत का नाम है और एक ऐसी कैफियत है वो जिसमें आके वो बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, तो इससे बचना चाहिए और इसको पी लेना, जी हाँ, सबसे बेहतर है कि गुस्सा इंसान पी जाए और खामोश हो जाए। तो ज़मीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और मेरे बाद जनाब अनवारुल हक भाई आपके लिए इफ्तारी का खूबसूरत सा प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, जाइएगा नहीं, और हमेशा उनका प्रोग्राम आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, खूबसूरत सा प्रोग्राम होता है उनका और बहुत सी काम की बातें करते हैं। हम तो ऐसे बैठ के टाइम गुजारते हैं लेकिन वो हमेशा आपको बड़े ही अच्छी अच्छी और ख़ूबसूरत बातें, काम की बातें बताते हैं। तो ज़रूर साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड, जाइएगा नहीं कहीं पे भी। तो आखिर में जी हाँ, हमारी बहन जी हाँ तबस्सुम हमेशा हमें फूलों का गुलदस्ता भेजती हैं, दुआएं भेजती हैं, खूबसूरत से फूल, खुशबूदार फूल हमें भेजती हैं, उसका गुलदस्ता रंग बिरंगे फूल होते हैं और बीच में एक गुलाब का खूबसूरत सा फूल होता है और फिर साथ में जी हाँ उनके बहुत सी दुआएं होती हैं हमारे लिए। और
यकीन मानिए बहन, आपकी ये जो दुआएं होती हैं ना, हमारी हिफाजत करती हैं, हर वक्त आप हमारी हिफाजत फरमाती हैं, जो आप हमारे लिए दुआएं करती हैं और हमारी सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए। और अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए और इस रमज़ान के पाबरकत महीने से जी हाँ आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो आपकी कोई, अगर अल्लाह ना करे कभी कोई आपके जहन में कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ हो, तो अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए और आसानियां ही आसानियां आपके लिए पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो समीन, आपने मेरा साथ दिया पिछले 3 घंटे, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने कॉल की, प्रोग्राम में शामिल हुए, कॉल्स के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए, या फिर तुसी सानू जनाब एम ही चलदे फिरदे सुनया या सुनने ही हद तक तुसी साढ़े नाल रहे, और तुसी कितने भी है सी, दुनिया के किसी भी कोने ते सी, दुनिया के किसी भी हिस्से सी, तुहाडे तक मेरी आवाज़ पहुँचती रही और तुसी मेरी आवाज़ बर्दाश्त की, सुनते रहे और नाल रहे। तुहाडा बहुत मशकूर, तुहाडा बहुत शुक्रिया। और हमेशा आखिर ते मेरा मैसेज होंदा जी, वो ये होंदा कि जी अपने नाल आले ना, अपने चाहन आले ना, अपने संगियां साथियों दा, अपने प्यारियां दा हमेशा ख्याल रखो जी, और खासकर अपने हमसायां दा, और कोशिश करो कि तुहाडी तरफों उन्हां नूं कोई दुख तकलीफ परेशानी ना होवे। अच्छे अखलाक दा मुजाहरा करो और हमेशा कोशिश करो जी कि तुहाडे तो दूसरे खुश रहन। मैनूं यानी कि मुहम्मद इदरीस नूं दिओ इजाज़त। इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात होएगी प्रोग्राम बाजगश्त ट्यूजडे दिन ऐसे टाइम यानी 2 to 5 बजे, तो तब तक मैंने जो इजाज़त है, अल्लाह ताला हामी और नासर हो, अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज। हलीमा में तेरे मुकद्दर